एंकर, मध्य प्रदेश में शासन प्रशासन की तमाम कोशिशों के बाद कोरोना का दुष्चक्र निरंतर लोगों को अपना शिकार कर रहा है, जिसके चलते कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 17,500 के पार हो चुकी है। वहीं बैतूल जिले के कोयलांचल क्षेत्र पाताखेड़ा में कोरोना के मरीजों की संख्या में तेजी से इजाफा होता जा रहा है, जिसके चलते एक बार फिर लॉकडाउन लगाने की बात कही जा रही है। दरअसल शहर में कोरोना संक्रमितों की बढ़ती संख्या ने डॉक्टरों, प्रशासन, व्यापारियों और जनप्रतिनिधियों को फिर से चिंता के घेरे में डाल दिया है। शहर में अनलॉक के बाद से लोगों की असावधानी और बढ़ती संक्रमण दर ने प्रशासन को एक बार फिर से लॉकडाउन के लिए सोचने पर मजबूर कर दिया है। वहीं सोमवार के दिन इस विषय पर पाताखेड़ा चौकी पर बैठक हुई है। इस बैठक में लॉकडाउन को लेकर बातचीत हुई है, लेकिन इस पर निर्णय मंगलवार को प्रबंधन समूह की बैठक में लिया जाने वाला है। SDM राधेश्याम बघेल ने बताया कि कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा बढ़ना चिंता का विषय हो गया है। ग्रामीण इलाकों में भी कोरोना का फैलाव तेजी से हो रहा है, जिसकी रोकथाम के लिए कड़े कदम उठाए जाएंगे। बैठक में SDM RD बघेल, घोड़ा डोंगरी तहसीलदार मोनिका विश्वकर्मा, अभय राम चौधरी, SDOP सारनी, माइंस के पांचों यूनियन के महामंत्री, व्यापारी संघ के अध्यक्ष व सभी राजनीतिक दल के जनप्रतिनिधि मौजूद थे। सभी के जो भी जनप्रतिनिधि हैं यहाँ पर और माइंस से संबंधित जितने भी लोग हैं और आम जनता, सभी के सुझाव यहाँ लिए गए हैं SDM सर द्वारा, और SDM सर, पुलिस प्रशासन, सभी लोगों के द्वारा अपनी मीटिंग रखी गई है हमारे द्वारा, और हम लोग इसमें निर्णय लेंगे कि कुछ दिन के लिए यहाँ लॉकडाउन रखना चाहिए या नहीं। कुछ दिनों से यहाँ मरीजों की संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है, इसको कैसे नियंत्रित किया जाए, इस संबंध में नागरिकों के सुझाव लिया जाना था, जिससे कि हमें पता चल सके कि हम यदि कोई कड़ा कदम उठाते तो हमको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब जैसा कि सुझाव आया है कि टोटल लॉकडाउन 2-3 दिन के लिए किया जाए, तो अगले कल से 3 दिन के लिए टोटल लॉकडाउन रखा जाएगा और इसके स्टडी के बाद फिर आगामी निर्णय लिया जाएगा। तहसील में सिर्फ बगदौड़, अपने पाताखेड़ा और सुबापुर कॉलोनी में जो वार्ड 34 से 35 है, जो भी वार्ड है मुझे पूरी जानकारी नहीं है, जो भी वार्ड है उनमें टोटल लॉकडाउन लगाया जाएगा। और दूसरे क्षेत्रों में भी अगर ऐसे पेशेंट एक जगह बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलते हैं तो इसी प्रकार से लॉकडाउन किया जाएगा। लॉकडाउन की जो प्रक्रिया है, हमने प्रशासन से और मांग करी कि लॉकडाउन को बढ़ाया जाए और पूरे क्षेत्र को बंद करवाया जाए, ताकि क्या सोहापुर अगर मार्केट बंद रहता है तो सोहापुर की जनता बगदौना है। पिछले कुछ दिनों से कोयलांचल क्षेत्र सोहापुर में और पाताखेड़ा में कोरोना पॉजिटिव मिलने से पूरा क्षेत्र में हड़कंप मचा है, जिसको लेकर SDM साहब ने आज बैठक का आयोजन किया था, जिसमें तहसीलदार मैडम, SDP साहब, थाना प्रभारी, सारणी सारे लोग आए थे और क्षेत्र के गणमान्य लोग, सारे राजनीतिक पार्टी, व्यापारी वर्ग और सभी लोग यहाँ मौजूद थे। सब ने ये सुझाव दिया कि भाई कोरोना को रोकथाम के लिए हम लोग कड़ा निर्णय लेना पड़ेगा, क्योंकि देखा जा रहा है पिछले कुछ दिनों से। घोड़ा डोंगरी से राजेश प्रजापति की रिपोर्ट।